আর এখান থেকে আমাদেরকে উঠাতে গেলে আমি তার হাত পার জিসমের মধ্যে राजकहिनी एक्सप्लेन। राजकहिनी एक बांग्ला एपिक ड्रामा है। यह कहानी भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान खींची जा रही रेडक्लिफ लाइन के समय उपजे विवाद और ड्रामे को दिखाती है कि कैसे भारत सरकार सीमांकन के दौरान एक वैश्यालय को दो अलग अलग भागों में बांटना चाहती है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अधिकारियों के लिए एक टेंशन है। खूब मशक्कत करने के बाद भी जब अधिकारियों को सफलता नहीं मिलती तो आखिर में वो इस समस्या से निपटने का जो तरीका अपनाते हैं उसे सुनकर सभी के जहन में एक सिरहन पैदा हो जाती है। दोस्तों, हमारे साथ आप सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं सुनते बल्कि हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके कई बेहतरीन अनुभवों से गुजरती है। इसलिए सबसे पहले आपसे हम उम्मीद करते हैं कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 से। ब्रिटिश सरकार भारत को देश की स्वायत्तता सौंपने से पहले इसे दो हिस्सों में बांटना चाहती है। एक हिस्सा हिंदुस्तान होगा और दूसरा हिस्सा जो मुस्लिम बहुल है वो पाकिस्तान कहलाएगा। पंजाब के साथ साथ बंगाल भी दो हिस्सों में टूट रहा है। पूर्वी बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाएगा और हिंदुस्तान के हिस्से में पश्चिमी बंगाल आएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमांकन यानी दोनों देशों के बीच रेखा खींचकर देशों को विभाजित करने की जिम्मेदारी सर सीरियल जॉन रेडक्लिफ को दिया गया है। साथियों, अजीब बात ये थी कि सर रेडक्लिफ अभी भारत नहीं आए थे और ना ही उन्हें भारत के अलग अलग धर्म और उनके अंदर की जटिलताओं के बारे में कोई वास्तविक जानकारी थी। यहाँ के लोगों की आस्था और जीवन के विभिन्न पहलुओं से रेडक्लिफ अनजान था। इसका नतीजा ये हुआ कि रेडक्लिफ के बंटवारे के बाद पंजाब में भयंकर अफरा तफरी मच गई। पंजाब दो भागों में बांट दिया गया। एक था वो पंजाब जो पाकिस्तान के हिस्से चला गया और एक था वो पंजाब जो हिंदुस्तान के हिस्से में था। हिंदू पाकिस्तान के पंजाब से भारत आने लगे और भारत के पंजाब में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान के पंजाब की तरफ भागने लगे। बंटवारे में लोग इंसान से जानवर बन गए थे। दोनों तरफ मेजॉरिटी माइनॉरिटी को मारने लगी और उनकी संपत्ति पर कब्जा होने लगा। गर्भवती महिलाओं से लेकर छोटी बच्चियों तक का रेप कर दिया गया। दंगे में दोनों तरफ के लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हैवानियत दिखाई। कल तक जो कौमें भाई भाई हुआ करती थी, एक दूजे की थाली में खाया करती थी, एकदम से ही एक दूजे के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव करने लगी। इसलिए जब बंगाल को बांटने का काम शुरू हुआ तो भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने अतिरिक्त सावधानी बरती और बंगाल के बॉर्डर की फेसिंग से पहले लोगों को समझा बुझा कर और अलग करने से पहले विस्थापन का काम शुरू कर दिया। इसी बंटवारे के झमेले में एक कोटेशन बेगम जान का कोटा आ गया जो दो जिले के बीचों बीच था। जिला देवीगंज और हल्दीबारी के ठीक बीच में था ये कोटा। पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से एक अफसर मोहम्मद इलियास और भारत की तरफ से प्रफुल्ल मोहन सैन को फेसिंग देखने का काम सौंपा गया। जब अफसरों को पता चला कि सर रेडक्लिफ के हिसाब से जहां बॉर्डर की लाइन खींची जानी है वहां बीचों बीच बेगम जान का कोट आ रहा है, तो दोनों तरफ के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया कि फेसिंग से पहले इस कोठे को खाली कराया जाएगा और इसे तोड़कर यहां एक चौकी बनाई जाएगी। नए अफसरों को पता नहीं है कि बेगम जान क्या चीज़ है, वहां जाने पर उन्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। अधिकारी स्थानीय दरोगा की मदद से बेगम जान के कोठे में नोटिस देने जाते हैं। दरोगा थोड़ा घबराया लगता है तो अधिकारी पूछता है कि आखिर किस बात का डर है, आखिर वह कोठा ही तो है। दरोगा बताता है कि कई रसूख वाले लोग इस कोठे के नियमित ग्राहक हैं, उस पर नवाबों की विशेष कृपा है। जब अधिकारी दलबल के साथ वहां पहुंचते हैं तो शुरू में बेगम जान को समझ में नहीं आता है कि वह किस उद्देश्य से आए हैं। कहीं वे यौन रोगों की जाँच के लिए तो फिर से नहीं पहुँचे, या फिर पिछली बार की तरह
दरोगा मुफ्तखोर अफसरों को यहाँ लेकर तो नहीं आया। जब ईस्ट पाकिस्तान का इंचार्ज मिस्टर इलियास कहता है कि मैं यहाँ पार्टीशन करने के लिए आया हूँ, इस कोठे के बीच से एक फेसिंग गुजरेगी जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर होगा। इसी जगह पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी, इसलिए एक महीने के अंदर उन्हें कोठा खाली करना होगा। अब कोठे का आधा हिस्सा पाकिस्तान का और आधा हिस्सा हिंदुस्तान का होगा। इलियास की बचकानी बातें सुनकर एक बार तो बेगम जान को हंसी आ जाती है। तब हिंदुस्तान का प्रतिनिधि प्रफुल्ल सेन कहता है कि सीधे सीधे उन्हें बात मान लेनी चाहिए। अगले महीने से किसी भी हाल में तार लगाने का काम शुरू कर देंगे। उनके लिए अच्छा होगा कि हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू होने से पहले कोठा छोड़कर चले जाएं। वैसे भी वह एक हिंदू और मुस्लिम बहुल जिलों के बीच में है, ये एक सीरियस मैटर है। सरकारी नोटिस की नाफरमानी का नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। उनकी बातें सुनकर बेगम जान गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि उसे हिंदुस्तान या पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। वह देश होंगे तुम्हारे, आज़ादी तुम्हें मिली होगी, लेकिन मेरे लिए तो ये कोटा ही घर है और यही मेरा देश दोनों है। इसीलिए अगर तुम सब तुरंत इस कोटे से नहीं निकले तो मैं तुम्हारे शरीर का पार्टीशन कर दूंगी। वहाँ माहौल मरने मारने को हो जाता है। मजबूरन अधिकारियों को वहाँ से निकलना पड़ता है। उनके जाने के बाद एक मास्टर वहाँ आता है जो अक्सर कोठे में आया जाया करता था, कभी आज़ादी के ऐलान का जश्न मनाने तो कभी उन्हें उपहार देने। ऊपर से वह एक अच्छा आदमी है जो महिलाओं की बदहाली पर दया का भाव रखता है। मास्टर पढ़ा लिखा है और सरकारी कागजों की जानकारी रखता है। वह बेगम जान को मामले की गंभीरता के बारे में समझाता है और कहता है, देखो बेगम, तुम्हें आज़ादी चाहिए या नहीं ये अलग बात है, पर तुम्हें सरकार के आदेश का पालन करना ही होगा। ये मामला बड़ा ही जटिल है। बेगम जान को समझ में आता है कि ये मास्टर जैसे आदमी के बस के बाहर की बात है। इस मामले को हल करने के लिए उसे किसी ऊंचे पहुंच वाले आदमी से मदद मांगनी होगी। रंगपुर नाम की रियासत का नवाब बेगम जान का करीबी है। आपको बता दूं कि इस वक्त देश में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। उन अफसरों के जाने के कुछ दिन बाद से ही बेगम जान और दूसरी महिलाएं कोठे के बाहर देख सकती थी कि अगल बगल के हिंदू और मुसलमान एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना शुरू कर चुके हैं। सभी को पार्टीशन के बाद दंगे का डर सता रहा है। इधर बेगम जान का संदेश मिलने पर नवाब खुद वहां पहुंचता है। यहां पहुंचने पर वह बेगम जान को दिलासा देता है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह कुछ दिनों में दिल्ली जा रहा है, वह निश्चित रहे उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसकी दिलासा के बदले बेगम जान उसके लिए कोठे की सबसे खूबसूरत और जवान लड़की तैयार करती है। इधर दूसरी तरफ फेसिंग का काम शुरू हो चुका है। कोठे की दीवार तक तार बिछाए जा चुके हैं। मास्टर पास के ही गांव में रहता है। एक दिन वह खबर लेकर आता है कि कोई भी रसूख वाला बेगम जान के कोठे को नहीं बचा सकता है, सरकारी आदेश को तुम्हें मानना ही होगा। मास्टर समझता है कि उनकी जान को भी खतरा है, बात बिगड़ने से पहले उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। असल में मास्टर बेगम जान की एक लड़की को पसंद करता है और उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वह कोठे के बाहर उसे छुपकर मिला भी करता है और वह उससे शादी करने की बात भी करता है, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम। इधर दोनों अधिकारी प्रफुल्ल सेन और मिस्टर इलियास इस समस्या में हैं कि कैसे बेगम जान नाम की बला से निपटा जाए। कोई भी सरकारी अफसर वहां जाने से डरता है। ऊपर से उन्होंने सुन रखा है कि नवाब के सिपाही भी उसके कोठे की रखवाली के लिए निकल चुके हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो प्रफुल्ल सेन को एक आइडिया आता है। वो एक लोकल गुंडे के पास जाते हैं और गुंडे को कोठा खाली करने का काम सौंप देते हैं। उस गुंडे का नाम कबीर है। कबीर जो सेक्युलर होने का दावा करता है, लेकिन वह ना तो हिंदू है और ना मुसलमान। वो किसी को भी मारने में कोई भेद नहीं करता है। प्रफुल्ल सेन और इलियास ने उस गुंडे कबीर को कोठा खाली कराने के लिए कुछ भी करने की आज़ादी दे रखी है। वह अपना हर दाव अपनाने के लिए आज़ाद है।
यहां तक कि वो किसी की जान भी ले सकता है। एक दिन बेगम जान के कोठे में कोई मटन उपहार में छोड़कर जाता है। खाना खूब स्वादिष्ट होता है। जब वो सब वेश्या बैठकर खाना खा रहे होते थे तो एक चिट्ठी बेगम जान को मिलती है जिसमें लिखा है कि खाना सच में स्वादिष्ट है। और ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि उनके कुत्ते सेखों को मारकर जो बनाया गया है, उन्होंने दूसरे कुत्ते और भालू को भी मारकर कोठे के बाहर पेड़ पर टांग दिया है। चिट्ठी में आगे लिखा था, ये तो उनके टॉर्चर की शुरुआत है। भारत पाकिस्तान के दोनों अफसर में ये विवाद है कि वे कोठा खाली कराने के लिए अमानवीय तरीका अपना रहे हैं, लेकिन अगर कुछ को मारकर ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके तो उसमें आखिर बुरा ही क्या है। उस शाम नवाब भी वापस लौट आता है, लेकिन वह बड़ा ही उदास और निराश लग रहा होता है, क्योंकि देश के अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। दिल्ली में उसके जैसे नवाबों की अर्जी बिखरी पड़ी है। बड़े बड़े नवाबों तक की नहीं सुनी जा रही। उसके खुद की रियासत पर सरकारी कब्जा हो रहा है। वह बेगम की मदद नहीं कर सकता और ना ही अपने सिपाही बेगम की सुरक्षा में लगा सकता है। ये सुनकर बेगम जान के चेहरे की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। बेगम जान के चेहरे पर पहली बार नवाब ने इतना दुख देखा था। वो मानो एकदम से जड़ हो जाती है। उसके दर्द को देखकर नवाब बोलता है कि अगर तुम सब अपनी लड़ाई खुद लड़ सको तो मैं तुम्हें बंदूक और असली मुहैया करा सकता हूँ। ये सुनकर बेगम जान की आंखों में चमक लौट आती है। बेगम जान का दरबारी और वफादार सलीम मिर्जा सारी लड़कियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है। अगली शाम जब कुछ लड़कियां बाजार से सामान खरीदने जाती है, उन पर कबीले और उसके आदमी हमला करते हैं, पर किसी तरह लड़कियां तो बच जाती हैं, लेकिन बेगम जान का एक सेवादार और लड़कियों का दलाल कबीर और उसके आदमियों का ध्यान बटाने के चक्कर में खुद पकड़ा जाता है। कबीर और उसके आदमी इतनी नफरत से भरे हैं कि उसके कई टुकड़े कर देते हैं। आसान सा झगड़ा अब हदें पार कर चुका है। बेगम जान चाहती है कि वह अब अपनी सारी समस्याएं विदेशी पत्रकार को लिखे, लेकिन शायद ये कोशिश भी अब बेकार थी। बेगम जान एक वेश्या जरूर थी, लेकिन उसके कोठे पर रहने वाली सभी लड़कियों को वह अपना परिवार मानती है। इसलिए वह तय करती है कि सारी लड़कियों को सुरक्षित यहाँ से कहीं और भेज दिया जाए और अकेले रहकर इस जगह को वो खुद डिफेंड करे। आखिर ये उसका घर है, उसका देश है, वह इसे किसी को भी जीते जी नहीं दे सकती है। लेकिन उन लड़कियों के पास भी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ रुकने के अलावा उनके पास कोई घर नहीं है। किसी के पास कहीं और घर होता तो ये सब वैश्य ही क्यों होती। बेगम जान को चिंता है कोठे पर रहने वाली छोटी बच्चियों की। बच्चियों को यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। फिर होता भी यही है। उस रात हथियारों के साथ कबीर और उसके आदमी कोठे की तरफ बढ़ते हैं। उनके साथ लोकल दरोगा भी पूरा सहयोग करता है, और तो और कबीर गुंडों को सरकारी बंदूकें भी दे देता है। उस रात जब माहौल तनाव से भरा होता है तो गुलाब नाम की वैश्या, जिसे मास्टर जी पाना चाहता था, वो मास्टर के साथ भाग जाती है। गुलाब भोली थी, उसे लगा कि मास्टर उससे प्यार करता है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हमारे ये ढोंगी समाज वेश्याओं से कभी प्रेम नहीं कर सकते। गुलाब सोचती है कि मास्टर उससे शादी करेगा, लेकिन इसी रात मास्टर गुलाब को एक अमीर आदमी को बेच देता है। उस रात जब कुछ बच्चियां कोठे से बाहर निकल जाती है तो कबीर और उसके लोग कोठे पर गोलीबारी कर देते हैं। उन्हें लगा था कि वे आसानी से कोठे पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बेगम जान अपनी लड़कियों को ट्रेन कर चुकी है। इसीलिए जवाबी फायरिंग जब कोठे से भी होती है तो कबीर पागल हो जाता है। इसके पुरुष को ठेस पहुंचती है और कोठे की लड़कियां कबीर के लोगों पर फायर करती हैं। बाहर से कबीर के लोग फायर करते हैं। देखते देखते फाइट गंभीर होती जाती है। कबीर के कई लोग लड़कियों की गोली का शिकार भी होते हैं। कोठे के अंदर कई लड़कियों को गोली लगती है और दोनों तरफ से फायरिंग चालू रहती है। कबीर और इन लड़कियों में बस अंतर ये था कि कबीर और उसके लोग पैसे के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़कियाँ अपने घर, अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रही थी। जब गोलियाँ ख़त्म हो जाती है तो लड़ाई आमने सामने की होती है।
बंदूक में लगी संगीन से वार होने लगते हैं। कोठी लहूलुहान हो जाती है। चारों तरफ लाशों के ढेर लगने लगते हैं। दोनों ही तरफ के बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कबीर के लोगों के पास जलती हुई मशाल है। उन्होंने कोठे को आग के हवाले कर दिया। कबीर के साथी और प्रफुल्ल सैन और इलियास को लगा था कि ये लोग आसानी से सब बर्बाद करके कोठे पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। कबीर के सभी आदमियों को लड़कियों ने मार गिराया था। जो एक दो बचे थे वो भाग निकले। अंत में बेगम जान और केवल चार लड़कियां बची हैं। दूर से कबीर सिंह और हिंदुस्तान पाकिस्तान के अफसर सब तमाशा देख रहे थे। कबीर और अफसरों को लगता है कि जल्द ही कोठा उनके कब्जे में होगा, लेकिन इसी बीच बेगम जान और उनकी बाकी बची लड़कियां कुछ ऐसा करती है जिससे सबकी रूह कांप जाती है। बेगम जान और बाकी बची लड़कियां अपने बदन को आग के हवाले कर देती है और जलते हुए ही कोठे के भीतर चली जाती है। उन्हें बर्दाश्त नहीं है कि कोई उन्हें उनके घर और उनके देश से निकाले। वो अपने घर के अंदर जलकर मरना ही चुनती है। ये घटना उस घटना की याद दिलाती है जिसका वर्णन मालिक मोहम्मद जायसी ने अपनी काव्य रचना पद्मावत में कई सौ साल पहले किया था, जब मेवाड़ की राजकुमारी पद्मावती ने 1200 महिलाओं के साथ अपने आत्मसम्मान के खातिर अपना देह त्याग किया था। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। 2 घंटा 40 मिनट की फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर 7.3 की रेटिंग वाली इस फिल्म को 92% गूगल यूज़र ने पसंद किया है। इस बंगाली फिल्म को सृजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मुख्य किरदार निभाए हैं ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, शाश्वत चटर्जी, कौशिक सेन, जिशु सेनगुप्ता, अभी चटर्जी।